कसौली विधानसभा क्षेत्र के धर्मपुर में फोरलैन निर्माण के चलते सबसे बड़ी तबाही देखने को मिली। निर्माण के चलते समूचे धर्मपुर बाजार का अधिग्रहण कर दिया गया। जहां पहले करोड़ों रुपए का व्यवसाय होता था, आज वह स्थान खंडर में तब्दील हो चुका है। जब अधिग्रहण चल रहा था तो उनके घर एवं व्यावसायिक परिसरों पर JVC मशीन चल रही थी, तो सभी व्यापारी बेहद आहत थे। वह रोज स्थानीय विधायक राजीव सहजल, सांसद वीरेंद्र कश्यप और कांग्रेस के प्रतिनिधि विनोद सुल्तानपुरी सभी से मिन्नतें करते रहे कि सभी प्रभावितों का कोई उचित प्रबंध किया जाए ताकि वह अपना गुजर बसर कर सकें, लेकिन किसी भी दल ने उनकी एक ना सुनी। यही वजह है कि आज करीबन 200 परिवार चुनावों के बहिष्कार करने का मन बना चुके हैं। जब इस बारे में प्रभावितों से पूछा गया तो उन्होंने दो टूक शब्दों में जवाब दिया कि आज चुनाव सिर पर है तो सभी राजनीतिक दल उनके पास आकर फिर से आश्वासनों की झड़ी लगा रहे हैं, लेकिन वह इस बार किसी भी दल की सुनने वाले नहीं हैं और उनके पास एकमात्र विकल्प नोटा रह गया है, क्योंकि मुसीबत के समय में उनकी किसी भी दल ने कोई सहायता नहीं की। आज उनका जीवन यापन करना भी मुश्किल हो चुका है। ना ही कोई भी दल उन्हें मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवा पाया और ना ही इस अन्य सुविधाएं, इसलिए वह चुनावों के बहिष्कार का मन बना चुके हैं। जैसे हमने बोला था ना कि सड़कें बनाने के लिए, हमारी तो सड़कें अभी तक कामयाब नहीं हुई, बनी नहीं। बोटे लेने आ जाते हैं लेकिन काम होते नहीं। हमारे नालियां हमारे गाँव में नहीं बनी भी अभी तक। बोलते हैं बोट के टाइम की हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो काम कुछ भी नहीं हुआ अभी तक। सबसे पहले मुद्दा तो हमारा फोर लेनिंग में जो बाजार उजड़ गया, हम भी उसमें इफेक्टेड हैं। जिन लोगों के घर भी उजड़ गए, जिन लोगों के बिजनेस भी चला गया, कबीलदारी उनके नीचे है, लाइबिलिटी उनके ऊपर बहुत है, बैंकों के कर्जे हैं, व्यापारी के कर्जे हैं, वो लोग तो परेशान है। तो हमारे यहाँ मार्केट टूटी, सबसे बड़ी दिक्कत ये हुई, किसी कोई सी पार्टी ने आकर पूछा भी नहीं तुम कहाँ जाओगे, तुम्हारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे, मरेंगे, बचेंगे, क्या होगा। मेन समस्या पिछले 5 साल का, 50 साल से पानी की खत्म नहीं, तरफ 10 दिन बाद पानी आता है, तरफ इतना बासी पानी पीते हैं लोग। रुको नहीं, हम नोटा हैं जी, हम तो इस बार 100% नोटा में जाएंगे। हमें उजाड़ दिया गया, ना हमें कोई मुआवजा दिया गया है, ना ही कुछ किया गया, ना ही हमारे सांसद यहाँ पर आए, ना ही हमारे विधायक जी यहाँ पर आए, जबकि लोकल धर्मगुरु के होते हुए भी हमें किसी ने नहीं पूछा। और वायदे तो हर साल ही हर चुनाव में सुनते हैं जी, हम तो वायदे पूरे नहीं होते हैं। हम तो नोटा में जाएंगे डायरेक्ट, इस बार हमने वोट देनी नहीं, किसी पार्टी को नहीं देनी।